Hi everyone, this is your host and mentor Prem Pandey, welcoming you all to another exciting video of Educational Hikes. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, यानी भारत की कुछ झांकियां। हम इस चैप्टर में तीन अलग अलग स्टोरीज को पढ़ेंगे जो हमें इंडिया के अलग अलग हिस्से में जो ट्रेडिशन है उनका, जो कल्चर है उनका, उनके बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, अबेकर फ्रॉम गोवा आज हम पढ़ने वाले हैं, कुर्ग नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको टी फ्रॉम असम पढ़ने को मिलेगा। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म टू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी नंबर 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। वैसे मैं आपको बता दूं कि गोवा बेकर्स के लिए काफी फेमस है, मतलब गोवा में अगर आप जाओगे ना तो आपको थोड़ी थोड़ी जगहों पर बेकरी शॉप्स मिलेंगी, मतलब जो लोग ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, उनको हम बेकर्स कहते हैं। ठीक है, और जो इन चीजों को बेचते हैं और बनाते हैं इनको हम कहते हैं बेकर्स कहते हैं। तो आज हम गोवा के बेकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे गोवा के बेकर्स काफी फेमस होते हैं। दिस इज द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। आज के इस चैप्टर में हम पेन पोर्ट्रेट करने वाले हैं, मतलब गोवा के गांव में पाए जाने वाले जो बेकर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई वो क्या कपड़ा पहनते हैं, किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, वो हमारे सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। तो आज हम गोवा के गांव में पाए जाने वाले जो बेकर्स होते हैं उनका पेन पोर्ट्रेट करने वाले हैं। गोवा के बेकर्स, आज भी अगर आप गोवा के गांव में चले जाओगे ना तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, मतलब उनको एक अलग दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बेकर्स ना गोवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घरों घरों में जाकर ब्रेड्स पहुंचाते हैं, खाने पीने के सामान पहुंचाते हैं, इसलिए ये गोवा के गांव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, चलो डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड। कहा जा रहा है ना, ये राइटर भी गोवा का ही है, तो वो कह रहा है कि जो हमारे गोवा में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, आप उनको अक्सर ये कहते हुए सुन सकते हो, आप उनको ये करते हुए देख सकते हो। क्या करते हुए? रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, मतलब वो बड़े प्यार से याद करते हैं पुराने दिनों को। किन पुराने दिनों को? जब गोवा में पुर्तगाल का शासन हुआ करता था। पुर्तगाल एक देश है इंडिया के, पहले 1961 में गोवा इंडिया में ऐड हुआ है, उसके पहले यहाँ पर पुर्तगीज लोग राज करते थे। ठीक है, तो गोवा में आज भी अगर आप जाओगे ना तो लोग याद करते हैं पुराने दिनों को। और इसके अलावा क्या करते थे? द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड, मतलब वो बहुत ही मशहूर पावरोटियां बनाते थे, ब्रेड बनाते थे जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट यानी टेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, तो आज भी बड़े बूढ़े उन ब्रेड को, उन पावरोटियों को याद करते हैं कि क्या दिन हुआ करते थे वो। दोज ईटर्स ऑफ लोप्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। यहां पर राइटर कह रहा है कि भाई गोवा में, शायद गोवा में क्या, आप कहीं भी चले जाओ शायद ही कोई पावरोटी और ब्रेड जैसी चीजें खाता होगा। ऐसे लोग जैसे कि अब तो गायब ही हो गए हैं, लेकिन जो ब्रेड और पावरोटी को बनाने वाले लोग हैं वो आज भी आपको गोवा के गांव में मिल जाएंगे, कहीं मिले या ना मिले। वी स्टिल हैव amongst us the mixtures, the moulders and those who bake the loaves। राइटर कह रहा है कि भाई आज भी अगर आप गोवा के गांव में जाते हो ना तो तुम्हें मिक्सचर्स मिल जाएंगे, मतलब वो लोग जो आटे को गूंथते थे, उसमें बेकिंग सोडा मिलाते थे, क्रीम मिलाते थे ब्रेड बनाने के लिए, तो उनको हम मिक्सचर्स कहते हैं जो इन चीजों को मिक्स करे। ठीक है, आटा को, बेकिंग सोडा को और भी जो सामान ब्रेड बनाने में लगता है, इन चीजों को मिक्स करने वाले को हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो भाई राइटर कह रहा है कि तुम आज भी गोवा के गांव में जाओगे ना तो मिक्सचर्स तुम्हें मिल जाएंगे, माउल्डर्स मिल जाएंगे जो ब्रेड को अलग अलग शेप देते थे। भाई ब्रेड बहुत अलग अलग शेप में आता था, एक तो मोटा वाला पावरोटी आता था, एक पतला वाला ब्रेड आता है, ठीक है, एक बैंगल ब्रेड भी आता है, गोला सा होता है चूड़ी के जैसे। तो माउल्डर्स उन्हें कहते हैं जो ब्रेड को अलग अलग शेप देते हैं, एंड दोज हु बेक द लोप्स, और वो लोग भी तुम्हें मिलेंगे जो ब्रेड को पकाते थे भट्टियों पर रखकर, आग की भट्टियों पर रखकर जो ब्रेड को पकाते थे, वो लोग भी तुम्हें मिल जाएंगे आसानी से अगर तुम गोवा के गांव में जाते हो तो। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। अब भी गोवा के गांव में अगर आप जाओगे तो ब्रेड जिन भट्टियों में पकाया जाता था, आप फिगर देख पा रहे हो, तो भाई ब्रेड जिन भट्टियों में पकाया जाता था ना, वो भट्टियां तुम्हें आज भी उन गांव में मिल जाएंगी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्यूज्ड, मतलब जब से ये जो हमारे फर्नेसेज हैं, जब से ये हमारी भट्टियां जिस पर ब्रेड सेका जाता है वो बनाई गई हैं पुर्तगाल के दिनों से, तब से लेकर आज तक ये भट्टियां कभी भी बुझी नहीं है, इनके अंदर की जो आग है कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, मतलब
यूज हो रहा है, लगातार लोग ब्रेड बना रहे हैं, बेचा जा रहा है, खा रहे हैं, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड एंड जिंगल का मतलब पता है तुम्हें? चलो आगे मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ द थर्ड एंड जिंगल का मतलब क्या है, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब देखो, जो बेकर आते थे ना, जो बेचने आते थे अपने ब्रेड को, अपने बिस्किट्स को, वो अपने साथ में एक बांस की लकड़ी लिया करते थे, बैम्बू की लकड़ी लिया करते थे, और जब उसको वो जमीन पर पटकते थे ना, तो कैसी आवाज आएगी तुम ही बताओ? आएगी ना थड़ थड़ की आवाज आएगी। तो भाई जब बेकर्स आते थे ना, तो वो अपने साथ थड़ थड़ करते आते थे ताकि लोग उनके पास आए। उनके डंडे में ना बेल्स लगी होती थी जो जिंगल साउंड प्रोड्यूस करती थी। जिंगल साउंड किसे कहते पता है? ये साउंड सुनो, हाँ बिल्कुल, इसी को हम जिंगल साउंड कहते थे, ठीक है। तो जब बेकर्स आते थे ना, तो वो लोगों को कैसे बताते थे कि भाई हम आ गए, हमारा सामान खरीद लो? वो अपने बांस की लकड़ियों से थड़ थड़ जमीन पर पीटते थे, और पीटने से जो बेल्स होती थी वो भी जिंगल जिंगल बजने लगती थी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। द थर्ड एंड जिंगल द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। भाई जब ये लोग आते हैं, बेकर लोग ना, तो यही करते हैं, मतलब बैम्बू की लकड़ी को पटकते हैं, जिंगल जिंगल आवाज आती है, इससे हमें पता चल जाता है कि मॉर्निंग में बेकर्स हमारे घर के पास से गुजर रहे हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, ठीक है। आज भी अगर तुम गोवा के गांव में जाओगे ना, तो जो बेकर्स हैं वो आज भी ऐसे ही बैम्बू की लकड़ी लेकर, बांस की लकड़ी लेकर, उन पर बेल्स लगाकर ऐसे ही आवाज करते हुए तुम्हें गलियों में मिल जाएंगे, ठीक है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कहा जा रहा है कि भाई पुर्तगाल के दिनों में जो लोग ब्रेड बनाया करते थे, उनका उनकी तो बात ही अलग थी, ठीक है। अब शायद वो लोग मर गए हों, फादर इज नॉट अलाइव, मतलब जो पहले लोग होते थे जो ब्रेड को बनाते थे, शायद वो अब जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज, मतलब लेकिन उनके जो बेटे हैं वो आज भी अपने परिवार का ये जो प्रोफेशन था ब्रेड बनाना और ब्रेड बेचना, आज भी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पैडर इन गोवा। गोवा के गाँव में ना आज भी इन्हें पैडर के नाम से ही बुलाया जाता है। पैडर किसे कहते हैं भाई? ये पुर्तगीज लैंग्वेज है। पुर्तगीज लैंग्वेज में जो बेकर्स होते हैं उनको हम पैडर्स कहते हैं, ठीक है। तो गोवा के गांव में आज भी लोग पैडर्स ही कहते हैं। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। अब यहाँ पर जो राइटर है ना, वो उनके बारे में बता रहा है कि भाई उनका नेचर कैसे हुआ करता था। तो कह रहा है कि राइटर की जब हम बचपन में थे, जब हम बच्चे थे छोटे छोटे, तो जो बेकर था ना, जो हमारे घरों के आसपास आता था ब्रेड बेचने, वो हमारा फ्रेंड हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, हमारा साथी हुआ करता था, हमें गाइड भी करता था, कहीं कहीं हमें सही बताता था कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। राइटर कहता है कि भाई ये जो बेकर्स हुआ करते थे, वो दिन में हमें दो बार दिखते थे। कब कब? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। पहला तो तब जब वो अपनी बड़ी सी बास्केट की बाल्टी या जो भी लिया रहता था टोकरी, उसमें जब ब्रेड भर के वो निकलता था बेचने के लिए। व्हेन ही सेट आउट, मतलब जब निकलता था मॉर्निंग में अपने ब्रेड को बेचने के लिए। एंड देन अगेन, पहली बार तो तब दिखता था, और दोबारा कब? जब रिटर्न होता था अपनी बड़ी सी बास्केट में सारे ब्रेड्स को बेचकर खाली टोकरी के साथ, जब वो वापस होता था तो दूसरी बार हमें दिखता था, मतलब दिन में दो बार दिखता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। अब राइटर कहता है कि भाई जैसे ही हम लोग बैम्बू की आवाज सुनते थे, जो बेकर्स होते थे ना, वो जब भी ब्रेड बेचने आते थे ना, तो वो एक बैम्बू, एक लाठी लिए रहते थे, बांस की लकड़ी लिए रहते थे, और उसको जमीन पर थड़ 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 करते थे, जिसकी वजह से जो उस बैम्बू के ऊपर बेल्स लगे होते थे ना, वो जिंगल जिंगल करने लगते थे, छन 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 की आवाज करने लगते थे। तो भाई जैसे ही ये जिंगलिंग थर्ड की आवाज आती थी बेकर्स के बैम्बू से ना, तो भाई राइटर लोग और राइटर के जैसे और भी जो बच्चे थे गोवा में, वो जग जाते थे और तुरंत दौड़ के जाते थे ताकि वो उन बेकर्स से मिल सके, उन्हें ग्रीट कर सके, उन्हें गुड मॉर्निंग बोल सके, उन्हें नमस्ते बोल सके। व्हाई वाज इट सो? अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा हम लोग क्यों करते थे? हम क्यों बेकर्स को गुड मॉर्निंग बोलते थे? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें पाव रोटियां बहुत पसंद थी और हम जाते थे उनके पास ताकि वो हमें थोड़ा सा दे दें? ऐसा कुछ नहीं था, नॉट एट ऑल। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन। इनफैक्ट राइटर ये कहता है कि भाई हम लोग तो पाव रोटियां खाते ही नहीं थे। ये जो पाव रोटियां होती थी ना, वो किसके लिए होती थी? बॉट बाई सम पैस्किंग एंड बेस्टिंग, मतलब ये दो नौकरानियां हैं राइटर के घर में। कौन थी ये? मेड सर्वेंट थी, याद रखना, पैस्किंग और बेस्टिंग नाम की दो नौकरानियां थी राइटर के घर में। तो राइटर वही कहता है कि भाई हम लोग तो पाव रोटियां खाते ही नहीं थे,
पावरोटियां पैस्किंग और बैस्टिंग के लिए खरीदी जाती थी. व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, हमें क्या चाहिए था, हम बच्चों को क्या चाहिए था, दोज ब्रेड बैंगल्स विच वर चूज केयरफुली. मतलब इन बेकर्स के पास ना ब्रेड बैंगल्स होते थे, मतलब एकदम चूड़ी के आकार का ब्रेड होता था, और उस ब्रेड को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक चूज करते थे कि नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए. ठीक है, समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. हमें ये चूड़ियों वाला ब्रेड क्यों पसंद था, क्योंकि ये स्पेशल तरीके से बनाया जाता था और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा होता था. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. वैसे बम्बू स्टाफ का मतलब होता है लाठी, हमारे घरों में होती है ना लाठी, एक लाठी मारेंगे मर जाओगे, तो वही है बैम्बू स्टाफ. ठीक है, तो कह रहा है राइटर की भाई द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, मतलब जब बेकर्स आते थे अपने ब्रेड को बेचने तो वो म्यूजिकल एंट्री, मतलब उनके लाठियों से आवाज आती थी, झन झन की आवाज आती थी, साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, मतलब जो इनका लाठी हुआ करता था जिस पर रख कर वो ब्रेड को बेचने आते थे. आप अभी भी देखते होंगे गांव में आते हैं ना लोग साइकिल से, अब तो आने लगे हैं लेकिन बीच में फिर भी ये लोग लाठी ऐसे ऐसे लाठी को बांधे रहते हैं ताकि ब्रेड वेड और ऊपर जो भी बेचने आते हैं उसको सजा सके. उसमें उनके बेल भी लगी होती है जो झंझन की आवाज करती है. तो राइटर कहता है कि भाई ये बेकर्स लोग ना म्यूजिकल एंट्री देते थे, मतलब जब आते थे ना तो म्यूजिक बजने लगता था, झंझंग की आवाज आती थी, और ये आवाज उनके बैम्बू स्टैप से आती थी, उनके बांस की लाठी से आती थी. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. ये जो बेकर्स हुआ करते थे उनके एक हाथ में तो उनकी टोकरी हुआ करती थी जिस टोकरी में वो ब्रेड वेड रखकर बेचते थे, और दूसरे हाथ में बैंग द बैम्बू, वो उस लाठी को लेकर जमीन पर बैंग करते थे, ठोकते थे. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. अब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जैसे ही ये लोग बेकर्स लोग किसी घर में जाते थे तो वो लोग क्या करते थे, ही वुड ग्रीट द लेडी, उस घर की जो महिला होती थी, जो हाउसवाइफ होती थी, उसको गुड मॉर्निंग कहते थे, और उसके बाद क्या करते थे, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और जो वो लाठी लिए रहते थे ना उस लाठी पर वो अपने बास्केट को, अपनी टोकरी को टिका देते थे, और अगर किसी को ब्रेड वेड चाहिए तो वो ऐसे ही रखकर ब्रेड बेचते थे. आप सभी ने कभी ना कभी लैपटॉप या फोन में गेम तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी कॉम्पिटेटिव गेम फील्ड बैटल देखा है? ये एक ऐसा बैटल फील्ड होता है जहां पर हजारों लर्नर्स आपके साथ कंपीट कर रहे होंगे 1 करोड़ स्कॉलरशिप के लिए और मेरिट सर्टिफिकेट के लिए. भाई ये सब पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है अनअकैडमी के कॉम्बैट में. अनअकैडमी कॉम्बैट है क्या भाई? यहां पर ना अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में. भाई आपका जो लाइव लीडर बोर्ड होता है वो जनरेट होता रहता है, हर क्वेश्चन के बाद आपका लीडर बोर्ड जनरेट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से नंबर पर हो अभी. इसके अलावा पर्सनलाइज स्कोर रेटिंग से आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई आपके पास चांस है जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे वो मेरिट सर्टिफिकेट जीत सकते हैं और 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं. बेसिकली अनअकैडमी कॉम्बैट है क्या, ये एक तरीके का फ्री लाइव टेस्ट है जहां पर क्लास 6 टू क्लास 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट से आप इस टेस्ट को दे सकते हो. वैसे इस टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 से 60 मिनट का आपका टाइम होगा. हर संडे क्लास 6 टू 8 वालों के बच्चों के लिए 12 बजे, हर संडे 12 बजे दोपहर को. क्लास 9th एंड 10th वालों के लिए 11 बजे एंड 11th एंड 12th वालों के लिए 1 बजे ये लाइव टेस्ट कंडक्ट होगा. सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी अपने अपने क्लास की. मेरे कोड को यूज करो, PREM, ये मेरा कोड है. आप इस कोड को यूज करके फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हो. इवन अनअकैडमी से किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग करनी हो 10% डिस्काउंट में, तो आप हमारे इस कोड को यूज कर सकते हो. गो फॉर इट. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. जब कभी भी हमारे घर पर आते थे ये बेकर्स लोग तो हम बच्चों को साइड कर दिया जाता था, हम बच्चों को वहां से हटा दिया जाता था with a mild rebuke. मतलब हमें मना कर दिया जाता था कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, और पावरोटियां खरीद के नौकरों को दे दिया जाता था, जो मेड सर्वेंट थी हमारे घर में, जैसे पैस्किंग और बैस्टिन थी, उनको दे दिया जाता था. हमें पावरोटियां नहीं मिलती थी, हमें माइल्ड रिब्यूक कर दिया जाता था, मतलब हमें मना कर दिया जाता था कि नहीं बेटा तुम्हें ये नहीं लेना है,
बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम अगल बगल पर रखा अगर कोई बेंच है तो हम उस बेंच पर चढ़ जाते थे, या अगर कोई पैरापेट है मतलब जो हमारे घर में कोई रेलिंग वेलिंग है तो हम रेलिंग पर चढ़ जाया करते थे और झांकते थे. क्या झांकते थे? उस बेकर की टोकरी में क्या क्या रखा है हम उसको देखना चाहते थे, इसलिए हम बेंच और रेलिंग पर चढ़कर झांकते थे. समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स. राइटर कहता है कि मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है वो बहुत ही लाजवाब. ये देखो क्या है, क्या कह रहा है, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स. राइटर कहता है कि आज भी मुझे याद है, क्या याद है, टिपिकल फ्रेग्रेंस, वो जो लाजवाब खुशबू आती थी उस ब्रेड के, उस पाव रोटियों से, उन ब्रेड से जो खुशबू आती थी ना, वो मुझे आज भी मैं फील कर सकता हूं. मतलब वो खुशबू बहुत अच्छी होती थी. लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन. ये जो बेकर्स होते थे ना, इनके पास सभी के लिए कुछ ना कुछ होता था. जो बड़े लोग होते थे घर के, वो लोग पाव रोटियां खरीदते थे, बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल्स बनाते थे और बच्चों को वो देते थे. बच्चे खरीदते थे तो वो ब्रेड बैंगल्स ही देते थे. आप ब्रेड बैंगल्स आप फिगर में देख पा रहे हो, ब्रेड बैंगल्स कैसे होते हैं. बच्चों के लिए बेकर्स ये बनाते थे और बड़ों के लिए वो पाव रोटियां बनाते थे. आपने पाव रोटी तो देखी होगी, मोटी मोटी होती है. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली. राइटर कहता है कि भाई जब बेकर्स आते थे और हमारे लिए ब्रेड बैंगल्स लेकर आते थे ना, तो यहां तक कि देन वी डिड नॉट इवन केयर, हमें इतनी तक परवाह नहीं रहती थी कि हम अपने दांतों को ब्रश कर लें या हम अपने मुंह को धुल लें. मतलब हम ये सब नहीं करना चाहते थे, बिकॉज हमें क्या खाना था, हमें ब्रेड बैंगल्स को खाना था, जल्दी खाना था, इसलिए हम क्या कर रहे थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर, मतलब हम ब्रश करने की नहीं सोचते थे, हमें अपनी परवाह ही नहीं रहती थी कि दांत में ब्रश भी करना है, मुंह भी धुलना है. बिना मुंह धुले हम स्टार्ट हो जाते थे खाना. अच्छा तुम लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, सुबह सुबह कोई अच्छी चीज बन जाए, ब्रश करने कौन जाए यार, पहले खाओ, ऐसा होता है ना. एंड वॉट शुड बी, अब राइटर कहता है कि भाई हम ऐसा क्यों करते थे, हम क्यों दांत साफ करें. Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? Writer कहता है भाई हम दांत साफ क्यों करें, जरूरत ही क्या है, कौन इतनी परेशानी उठाए कि पहले जाकर आम की लकड़ियों को तोड़ो, आम के पत्तों को तोड़ो, फिर उसका दातून बनाओ, फिर टूथब्रश करो. मतलब आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, अब तो नीम की लकड़ियों से लोग दातून करते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, मैंगो का जो पत्तियां होती है, जो मैंगो लीव्स होती हैं, उसी से लोग टूथब्रश कर लिया करते थे. तो राइटर वही कह रहा है कि भाई जब बेकर्स आते थे ना, तो हम इतनी भी परवाह नहीं करते थे कि हमें अपने दांतों में ब्रश भी करना है, हमें अपने मुंह को भी धुलना है, मतलब हम ये सब नहीं करते थे. और क्यों करें, क्यों, Who would take the trouble of plucking the mango leaf? कौन इतना करने जाए कि पहले जाए आम की लकड़ी के पत्तियों को तोड़े, उन पत्तियों से दातून बनाए, ये सब हमसे नहीं होता है. Why was it necessary at all? जरूरत ही क्या है ब्रश करने की और मुंह धुलने की. The tiger never brushed his teeth. राइटर अपना कंपेरिजन करता है कि क्या कभी जो टाइगर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो क्या कभी ब्रश करते हैं, क्या नहीं करते ना. तो हम भी क्या है, हम भी बाघ हैं, हम भी ब्रश नहीं करेंगे. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. राइटर कहता है कि भाई आखिरकार जो गरम गरम हम चाय पीते थे, ये हमारे मुंह को वॉश कर देती थी और साफ कर देती थी, और बहुत अच्छे से साफ कर देती थी, तो हम क्यों दातून करें, हम क्यों ब्रश करें. अरे राइटर साहब, दांत में कैविटीज हो जाएंगी, इसलिए ब्रश करते हैं. ठीक है, तो इन्हें बताओ कोई. चलो, तो यहां पर कुछ ओरल कंप्रेहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लेना. अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे इसके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें. दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस. अब आगे राइटर कहता है कि भाई मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. एक मीठा ब्रेड आता था जिसका एक अलग ही नाम था, बोल. ठीक है, शादियों में अगर बोल ना बनाया जाए या बोल को ना खरीदा जाए, तो मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते थे उसका मतलब ही नहीं होता था. मतलब जब लोग शादियों में गिफ्ट देते थे ना, तो बोल, ये जो मीठा ब्रेड होता है, इसको जरूर देते थे, क्योंकि बिना इसके दिए ना शादियों के गिफ्ट को अधूरा माना जाता था. जस्ट एस अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विथआउट ब्रेड. बिल्कुल वैसे ही, मतलब मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते थे वो मीनिंगलेस हो जाते थे बिना बोल के. जैसे कि पार्टी या कोई दावत हो और उसमें ब्रेड ना मिले तो वो पार्टी का मजा नहीं रहता ना, बिल्कुल ऐसे ही मैरिज गिफ्ट्स का भी मजा नहीं रहता बिना बोल के. ठीक है, नॉट एनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज.
अब राइटर कहता है कि अब मैं कितना ही बताऊं, नॉट एनफ, मतलब मैं बता नहीं सकता कि भाई कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बेकर्स लोग एक गांव के लिए। मतलब गांव में बेकर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अलग अलग चीजों की जरूरत है जो बेकर्स पूरी करता है। ठीक है, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब राइटर कहता है कि भाई जो घर की हाउसवाइफ्स होती थी, जो मेन लेडी हुआ करती थी, वो क्या करती थी, वो सैंडविचेस बनाती थी अगर उनकी बेटियों की एंगेजमेंट पड़ती थी तो। मतलब एंगेजमेंट में क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी। याद रखना, मैरिज गिफ्ट किसके बिना अकेला रहता था, बोल के बिना अकेला रहता था। पार्टी और दावत किसके बिना अच्छी नहीं मानी जाती थी, बिना ब्रेड के बिना अच्छी नहीं मानी जाती थी। ठीक है, जो घरों में औरतें होती थी उनके अगर बेटियों की इंगेजमेंट हो रही होती थी तो वो इंगेजमेंट अधूरी मानी जाती थी जब तक सैंडविच ना बने घर में। ठीक है, केक्स एंड बोल निहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। अब आगे ऑथर कहता है कि भाई केक्स और बोल निहास भी एक तरीके का ब्रेड होता है, आप इमेज में देख सकते हो। ऑथर कह रहा है कि भाई केक और बोल निहास ये सब क्रिसमस पे बहुत जरूरी पकवान होते थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, मतलब और भी त्योहारों में केक्स और बोल निहास का मांग रहती थी, डिमांड रहती थी। लोगों को केक खाना होता था, लोगों को बोल निहास खाना होता था। कब, जब क्रिसमस आता था या और भी कोई त्योहार आता था तो लोगों को केक और बोल निहास चाहिए था। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि भाई इस चैप्टर में शादियों का जो गिफ्ट होता था वो किसके बिना अधूरा रहता था, बोल के बिना। पार्टी और फीस्ट किसके बिना अधूरी रहती थी, ब्रेड के बिना। ठीक है, घर की जो औरतें होती थी वो अपने डॉटर की एंगेजमेंट में क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी। केक्स और बोल निहास कब बनाए जाते थे, जब क्रिसमस पड़ता था या कोई अदर फेस्टिवल पड़ता था तब मनाए जाते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल। और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भाई जो बेकर्स की भट्टियां होती हैं जिनमें ब्रेड पकाया जाता है, जिसमें केक पकाया जाता है, जिसमें बोल निहास पकाया जाता है, ये सब कहां से मिलेगा अगर गांव में बेकर की भट्टियां ही ना हो तो। इसलिए जो बेकर के फर्नेसेस होते हैं ना वो गांव में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, समझ में आए यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलर ड्रेस नोन एज द कबाई। अब ऑथर कहता है कि भाई उस समय के जो बेकर्स होते थे, जो ब्रेड सेलर्स होते थे ना, पुराने जमाने की बात हो रही है जब पुर्तगीज लोगों का राज हुआ करता था, तो उनका एक बहुत ही पेकुलर का मतलब एक अलग तरीके का ड्रेस होता था जिसको हम कबाई कहते हैं। कबाई क्या होता है, आप बगल में फिगर देख सकते हो, एक लंबा फ्रॉक की तरह कपड़ा पहना हुआ है, बस इसी को हम कबाई कहते हैं। कबाई एक पुर्तगीज वर्ड है। ठीक है, जो लंबे कपड़ों को हम कबाई कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई उस समय के जो बेकर्स थे, ब्रेड सेलर्स थे, वो एक अलग तरीके का ड्रेस पहनते थे और उनके ड्रेस से ही हम उनको पहचानते थे कि हाँ ये बेकर्स हैं। वो ड्रेस का नाम क्या था, कबाई, याद रहेगा, जो लंबे फ्रॉक की तरह होता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वही बताया गया है कि भाई जो कबाई होता है वो एक पीस का कपड़ा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि पैंट शर्ट दो अलग है, नहीं, एक ही पीस का कपड़ा होता है। आप ऐसा समझ सकते हो, एक लंबी फ्रॉक होती है जो घुटनों तक आती है, उसको हम कबाई कहते हैं। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. अब यहाँ पर author क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो कबाई पहनते थे, लेकिन अब जब हम लोग बच्चे थे तो बेकर्स क्या पहनते थे, वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे। जो उनका ट्राउजर होता था ना वो छोटा होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि फुल, आपने फुल पैंट पहनी होगी, फुल पैंट से छोटा होता था और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था। मतलब फुल पैंट और हाफ पैंट के बीच में, मतलब घुटनों के नीचे तक, आप जानते होगे 3/4 हम पहनते हैं आजकल, 3/4 जानते हो क्या होता है, जो घुटनों के नीचे तक जो पहना जाता है, बिल्कुल वैसे ही पैंट्स ये बेकर्स लोग पहनते थे जब 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 ये राइटर बच्चे थे तब। ठीक है, तो मतलब यहां पर दो तरीके के ड्रेस की बात की गई है। मतलब जब पुराने जमाने के जो बेकर्स थे, जब पुर्तगीज के जमाने में जो बेकर्स हुआ करते थे, वो कबाई पहनते थे, लंबा कपड़ा होता है, फ्रॉक की तरह होता है। लेकिन जब 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 ये ऑथर जब बच्चे थे तब उन्होंने बेकर्स को देखा कि वो क्या पहनने लगे थे, अब वो कबाई नहीं पहनते थे बल्कि वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे जो कि फुल लेंथ से छोटा होता था और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था उनका ट्राउजर। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder.
और आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने से थोड़ा ही नीचे तक जाता है ना, तो लोग उस पर कमेंट करने लगते हैं कि अरे 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 तुमने तो पैडर की तरह ड्रेस पहना है, तुमने तो वो बेकर की तरह ड्रेस पहना है। पैडर किसको कहते हैं? पैडर बेकर को कहते हैं, ठीक है। तो ऑथर देख रहे हो कितने मजे की बात बता रहा है, कह रहा है कि भाई अगर आज भी कोई घुटनों के नीचे इतना पैंट पहना है ना, तो लोग उस पर कमेंट करने लगते हैं कि ओहो तुमने तो बेकर की तरह कपड़े पहने हैं, पैडर की तरह कपड़े पहने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Author कहता है कि भाई जो bakers हुआ करते थे वो सामान तो रोज दे दिया करते थे, लेकिन उनको रोज पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि वो क्या किया करते थे, collected his bills. जितने भी महीने भर का बिल होता था वो मंथ के लास्ट में वो आकर बिल दिखाकर पैसे ले जाया करते थे। Monthly accounts used to be recorded on some wall इन पेंसिल्स, और ये जो बेकर्स होते थे वो पूरे महीने भर का हिसाब कहां रखते थे, पेंसिल से दीवार पर लिख दिया करते थे, और इस तरीके से अकाउंट का रिकॉर्ड रखा जाता था कि भाई आपके घर में महीने भर में हमने कितना दिया है, ठीक है, मंथ के लास्ट में उतना ही पैसा आकर बेकर ले जाया करता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब ये जो बेकिंग का ये जो प्रोफेशन था, ये जो बेकिंग का, ब्रेड बनाने का, बिस्किट्स बनाने का, केक्स बनाने का ये जो काम था ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था पुराने जमाने में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, मतलब जो बेकर्स हुआ करते थे ना, बेकर हो गया चाहे उनकी फैमिली हो गई, कभी भी वो लोग भूखे नहीं मरे। मतलब इनका ये जो प्रोफेशन था, इनका ये जो काम था ना, ये एकदम रेगुलर चलता था। लोग ब्रेड खरीदते थे, लोग केक्स खरीदते थे, ये बेकर की फैमिली कभी भी भुखमरी का शिकार नहीं हुई। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो बेकर के घर के लोग होते थे, जो बेकर होता था, जो बेकर के फैमिली के लोग होते थे, उनके जो नौकर होते थे, वो हमेशा तुम्हें खुश दिखते थे और प्रॉस्परस मतलब पैसे वाले दिखते थे। क्यों? क्योंकि इनका जो ब्रेड का बिजनेस था वो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। मतलब जो बेकर्स लोग हुआ करते थे ना, उनका जो बनावट था, उनकी जो शरीर की बनावट थी, वो बिल्कुल प्लम्प थी। प्लम्प का मतलब क्या होता है? थुलथुला इंसान होता है ना, जो हल्का सा मोटा हो गया है। तो भाई ये मोटा तगड़ा देखकर आप पता लगा सकते हो, ये टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ करेक्टर और क्वालिटी। आप एक लैंग्वेज में प्रूफ कह सकते हो, मतलब उन बेकर्स को देखकर, उन बेकर्स के हैवी फिजिक को देखकर, उनके मोटे तगड़े शरीर को देखकर हमें ये प्रूफ मिलता है कि भाई ये लोग बहुत खुश हैं और बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा होता है ना कि जो लोग पैसे वाले होते हैं वो काफी मोटे तगड़े हो जाते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर्ड टू अ बेकर। अभी भी गोवा में ना, जो भी ऐसा इंसान जो थोड़ा सा थुलथुला हो गया, जो थोड़ा सा मोटा हो गया, जो कटहल की तरह दिखने लगा ना, आज भी लोग उसे बेकर कह के चिढ़ाते हैं, अरे अरे तुम तो बेकर की तरह दिख रहे हो। तो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू हैव लव्ड दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, आप देखो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को करो। वैसे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के मैं क्वेश्चंस करा ही देता हूं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, अब आपको बताना है कि भाई इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द पैडर वॉज इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। जो बेकर्स हुआ करते थे वो बहुत महत्वपूर्ण इंसान होते थे गांव के लिए, बिल्कुल सही होते थे। पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज, आज भी तुम्हें ये बेकर्स गोवा के गांव में देखने को मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही। द पैडर्स वेंट अवे विद द पुर्तगीज, क्या तुम्हें अब कभी भी पैडर्स नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं भाई, तो ये गलत है। द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, नहीं ये भी गलत है। पैडर्स पहले लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, अब वो शर्ट और ट्राउजर पहनने लगे हैं, ठीक है, तो ये दोनों गलत है। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्ड डेज, बिल्कुल सही बात है। ब्रेड और केक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था गांव के लोग, जो गोवा के गांव के लोग थे ना, उनके लिए ब्रेड और केक बहुत मायने रखता था, मतलब वो लोग इसे बहुत पसंद करते थे। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, कहा जा रहा है कि ये जो ब्रेड बेकिंग का बिजनेस है, क्या ये अब भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ बिल्कुल है। पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन देयर प्रेजेंट टाइम, क्या ये जो बेकर्स हैं, पैडर्स हैं, उनकी फैमिली क्या भुखमरी का शिकार हो गई है क्या अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भैया ये हमारा सही था, ये भी हमारा सही था, ठीक है, ये गलत था, फोर्थ भी गलत था, ये भी सही था, और ये भी सही था, और ये गलत है, ठीक है। तो दिस इज ऑल, ऐसे ही आप सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो ना। सो यार
चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं कूर्ग, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरी जान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल और जय हिंद।